हमने यहाँ पर कम से कम 35 से 40 महिलाओं को सम्मानित किया है। हर साल उज्जैनी रक्त संचार महिला दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इस साल हमारा 3रा वर्ष है रक्तदान शिविर का। इस शिविर में जितनी भी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। आज वुमेंस डे के ओकेशन पर हमने एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कर भी रही है। अभी तक ये भ्रांति आती है कि महिलाएं रक्त दान नहीं कर सकती हैं, लेकिन आज ये हमारा 3रा वर्ष है महिला दिवस का और इसमें सभी महिलाएं अपनी स्वेच्छा से आती है रक्तदान करती हैं। आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को होता है उसके ऊपर किया गया। रक्तदान करने से खून की कमी नहीं होती है क्योंकि 5.5 लीटर खून डेली हमारे शरीर में बहना है। शोभा जी, दिलेश जी, मालवी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर उज्जैनी रक्त संचार समिति ने 100 यूनिट ब्लड डोनेट कराया। समाज के संघर्षशील महिलाओं का सम्मान भी किया। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को पुलिस कंट्रोल रूम के समीप उज्जैनी रक्त संचार समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक समिति द्वारा प्रेरित 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर समिति ने समाज के उन संघर्षशील महिलाओं का सम्मान भी किया जो अपने अपने क्षेत्रों में जीवन यापन अथवा समाज सेवा के लिए समर्पित और संघर्षरत है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति SS पांडे, कुलानुशासक डॉक्टर शैलेंद्र कुमार शर्मा, चरक अस्पताल की प्रभारी संगीता पलसानिया सहित गणमान्य जन मौजूद थे। इस अवसर पर डाक खबरदार न्यूज के रिपोर्टर नीलेश मालवीय का सम्मान किया गया। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मीडिया के क्षेत्र में इनका सम्मान हमारी उज्जैनी रक्त संचार टीम के द्वारा, अतिथियों के द्वारा इनका सम्मान किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालविया और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज उज्जैन में उज्जैनी रक्त संचार समूह द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। जी हाँ, रक्तदान महादान। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर महिलाओं का सम्मान भी किया गया है। और आज के इस पूरे प्रोग्राम के बारे में, कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया है और महिलाओं को क्या प्रेरणा मिलती है इससे? रक्तदान के प्रति रक्तदान हर वो मनुष्य कर सकता है जो स्वस्थ है, 18 साल से ऊपर है, 7 साल से नीचे है और हीमोग्लोबिन 12 ग्राम से ऊपर है। रक्तदान करने से खून की कमी नहीं होती है क्योंकि 5.5 लीटर खून डेली हमारे शरीर में बहना है। अगर हम 350 ml खून दे भी देते हैं तो वही फ्लूइड आ जाता है और वो उसको मेंटेन कर देता है। 12 ग्राम से ऊपर हीमोग्लोबिन रहेगा तो हम लोग किसी और की जान जो कि खून की कमी से जा रही है उसको बचा सकते हैं। तो रक्तदान महादान और हमें इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए हर किसी को, क्योंकि इससे किसी की जान बच सकती है और जान बचाना इससे बड़ा बढ़िया कोई काम ही नहीं। क्योंकि हम इस प्रोफेशन में हैं तो हमको तो वैसे भी ऐसी महिलाओं से रूबरू होना पड़ता है जिनकी जान की जोखिम आती है और हम उनकी जान बचाते हैं। पर आप रक्तदान देके किसी ऐसे की जान बचा सकते हैं जिसके साथ आपका कोई संबंध नहीं था, फिर भी आपने उसकी जान बचाई। तो ये एक बहुत ही महादान है और हमें इसके लिए हर किसी को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जो अगर इस लिमिट में आता है 18 साल से ऊपर, 7 साल से नीचे, 12 ग्राम, तो रक्तदान हर थोड़े दिनों में करें। जैसे बर्थडे और एनिवर्सरी पर भी ऐसे रक्तदान करा जाए जिससे कि हम हमारे समाज को उसका लाभ दे सकें और किसी की जान रक्त की कमी से न जाए। और हमारे साथ मौजूद है आज के इस आयोजन में कितनी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, आइए यह भी जानते हैं आज के इस आयोजन में कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया है। सौ से इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पक्ष में आज इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और समिति जो है और इसके अतिरिक्त भी मैं खुद भी इस उज्जैन संचार परिवार के सदस्य हूँ। और इस कार्यक्रम के अतिरिक्त भी हमारे जो समिति है वो कई बार अलग अलग ग्रुप के लिए भी प्रदान और ये सब आयोजित करता है शिविर और इसी के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ। तो ये प्रोग्राम वर्ष भर चलते हैं, वर्ष भर इस प्रकार के आयोजन होते हैं जिससे कि रक्तदान की कमी उज्जैन या कहीं पर भी नहीं आए और
और भी लोग जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो भी थोड़ा सा मोटिवेट हो। मैडम, किस प्रकार से आज रक्तदान किया गया और नारी शक्ति को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? नारी शक्ति तो देखा जाए तो हम बोले कि माँ, देवी, सरस्वती सभी महिलाएं हैं हमारी। तो नारी शक्ति तो अपने आप में एक संपूर्ण है। बाकी आज जो रक्तदान शिविर आयोजित किया गया वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को होता है, उसके उपलक्ष्य में किया गया। और ये मेनली महिलाओं के द्वारा रक्तदान का प्रावधान था उज्जैनी रक्तदान समिति द्वारा, जो मुझे बताया गया था, जिसमें 30 महिलाओं ने रक्तदान किया है और पुरुष भी अपनी मर्जी से आगे आए, उन्होंने भी। ज्यादा जिला चिकित्सालय चरण भवन का जो ब्लड बैंक है, उनका स्टाफ और हमारी डॉक्टर्स, उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है ब्लड डोनेशन कैंप अरेंज करने में। हमारे यहाँ फ्रैक्शन सिस्टम है, चारों सभी तरह के फ्रैक्शन उपलब्ध हैं। सबसे बड़ा ब्लड बैंक है, सबसे बड़ा एमपी का अस्पताल है, जिला चिकित्सालय 700 बेडेड है और मातृ शिशु जो है 450 बेडेड है। तो यहाँ ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा ही पड़ती है, लगभग 700 ब्लड डोनेशन हर महीने हो जाता है और 700 ही इशू भी हो जाता है। तो ब्लड ऐसी चीज़ है, रक्त ऐसी चीज़ है जो कभी कृत्रिम नहीं हो सकता, मानव के शरीर से ही मिलेगा। मैं हमेशा बोलती हूँ पेड़ों पे नहीं लटकता कि हम तोड़ के ले आएंगे, हमारा मरीज़ है, ज़रूरत है, हमें देना पड़ेगा। तो इसके लिए कभी भी ना करें, क्योंकि आपकी बॉडी से 5 लीटर में से 300 ml निकल रहा है और वो 7 दिन के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उस 300 ml से किसी की ज़िंदगी बच जाएगी। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे आयोजक गण है जो कि इस इतने अच्छे प्रोग्राम को, नारी शक्ति को और उत्साहित करने के लिए इतना अच्छा आयोजन किया है, उनसे भी 2 शब्द चाहते हैं कि नारी शक्ति के लिए आप कुछ बोलें उनके प्रोत्साहन के लिए। नारी शक्ति के लिए तो खुद ही नारी शक्ति ही है संपूर्ण, और नारी चाहे तो सब कुछ कर सकती है और कर भी रही है। अभी तक ये भ्रांतियाँ थी कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती है, लेकिन आज ये हमारा 3रा वर्ष है महिला दिवस का और इसमें सभी महिलाएं अपनी स्वेच्छा से आके रक्तदान करती है। अंता शर्मा। हर साल उज्जैनी रक्त संचार महिला दिवस के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन करती है। इस साल हमारा 3रा वर्ष है रक्तदान शिविर का। इस शिविर में जितनी भी महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। लोग कहते हैं कि महिलाएं रक्तदान नहीं कर सकती, पर इस हमारा जो ये हर साल कैंप होता है इसमें अधिकतर 50+ महिलाएं ब्लड डोनेट करती हैं और काफ़ी महिलाएं हीमोग्लोबिन की वजह से कर नहीं पाती बट बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। तो इससे पता चलता है कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। साथ ही हमारे यहाँ सम्मान समारोह भी रखा गया था जिन महिलाओं के लिए जो अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रही है। एक महिला है जो रिक्शा चला के अपने बच्चों को पाल रही है, हमने उनका भी सम्मान समारोह सम्मान किया था। और हमारे कैंप में जितना भी ब्लड डोनेट होगा वो सिविल हॉस्पिटल को प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ से जो भी ज़रूरतमंद होंगे, जैसे डिलीवरी केस, पीड़ित बच्चे और अन्य एक्सीडेंट केसेस में ये ब्लड करवाया जाएगा। कोई भी जिन्हें भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट हो वो भी हमारे संस्था से संपर्क कर सकते हैं। मैम, कितनी महिलाओं ने रक्तदान किया है और उनको रक्तदान करने से किस तरह से शारीरिक लाभ होगा? देखिए, अभी तक तो डोनेशन 50+ हो चुका है, ब्लड डोनेट हो चुका है अभी तक। और लोग कहते हैं कि ब्लड डोनेट करने से काफ़ी कमजोरी आ जाती है, महिलाओं को स्पेशली बोलते हैं कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए क्योंकि उसको पीरियड्स जैसी प्रॉब्लम होती है। बट ब्लड डोनेट का पीरियड से कोई लेना देना नहीं है, वो डोनेट कर सकते हैं और इससे किसी भी प्रकार का कोई आपकी बॉडी पर हार्म नहीं होता है, बल्कि बेनिफिट्स ही होते हैं और 24 आवर्स में ये ब्लड रिकवर हो जाता है। मालक अंजलि लोग उज्जैनी रक्त संचार की मेंबर हूँ। आज वुमेंस डे के ओकेशन पर हमने एक छोटा सा ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, साथ ही सेल्फ डिपेंड और सोशल वर्कर महिलाओं का एक छोटा सा सम्मान रखा गया है। कितने लोगों ने रक्तदान किया है यहाँ पर? अभी तक 50+ में हो गया है यहाँ पर। हमने यहाँ पर कम से कम 35 से 40 महिलाओं को सम्मानित किया है और अवार्ड उनको जो हर फील्ड में जैसे आगे आ रही हैं, चाहे वो उनके घर को सेल्फ उनके खुद से चलाना हो, उसके हस्बैंड नहीं हो, या तो जो सोशल वर्क में आ रहे हो, या खुद का जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल्फ डिपेंड बन रहे हैं, उसके लिए ये प्रोग्राम रखा गया है। आपका नाम? अंजलि लोट। तो आपने देखा रक्तदान महादान, और हम भी हमारे चैनल की ओर से यही मैसेज देना चाहते हैं कि जब भी कभी किसी को जरूरत पड़े आप रक्तदान जरूर करें। आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज़ के लिए नीलेश मालविया की रिपोर्ट।